नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके दोस्तों आपका ज्ञान और प्रॉफिट होने का मोटिव हम बनाए रखेंगे। दोस्तों अभी हम बात करने वाले पीयूसी बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जो कि दोस्तों अभी बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था बीच में, और बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन आ रही थी मुझे कि सर आप किसी पीयूसी बैंक पर हमें एक अच्छा सा वीडियो बना के दीजिए, जो कि मैं अभी बना रहा हूँ। दोस्तों अभी हम बात करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। दोस्तों नाम सुनते ही आपके जहन में एक मन में बात खड़ी होगी कि ये बैंक बहुत बड़ा है और ये बढ़िया बैंक है। दोस्तों उसी तरह से इसका जो टेक्निकल्स भी है वैसे ही है, उसके फंडामेंटल्स भी उसी तरह से है। मगर दोस्तों अभी तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो मार्केट में जो रुझान चल रहे हो, क्या ये मार्केट का जो लेवल चल रहा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा को हार्म कर सकता है क्या, यह बैंक ऑफ बड़ौदा के फंडामेंटल को हार्म कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में जिस तरह से कोविड-19 की महामारी का प्रेशर चल रहा है इंडिया में, जो कि आप देख सकते हैं दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो लॉकडाउन का पीरियड है वो बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों ये लॉकडाउन में जितनी नुकसान हो रही है बैंकों की, उतनी नुकसान नॉर्मल गुड्स है उनकी भी हो रही है, जो फिर दूसरे सेक्टर से उनकी भी हो रही है, जो सर्विस सेक्टर में उनकी भी हो रही है। दोस्तों वैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत सारा नुकसान हो भी रहा है, आप देख ही रहे। मगर दोस्तों क्या ये अभी बैंक बड़े रुझान दिखाने के लिए तैयार हो चुका है कि टेक्निकल चार्ट पे, ये सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। फंडामेंटली भी बात करेंगे और टेक्निकली भी बात करेंगे, इस शेयर में हमें अगर लॉन्ग टर्म का बनना है, मिड टर्म का बनना है या शॉर्ट टर्म का इसमें इन्वेस्टर बनना है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज लेंगे। और दोस्तों चलेंगे सीधा टेक्निकल चार्ट पे, वहाँ पे जानेंगे आने वाले दिनों के रुझान के बारे में। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी वीडियो हमारा बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे ज्ञान बढ़ाने का मोटिव बना रहेगा और प्रॉफिट होने का मोटिव बना रहेगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका प्रॉफिट और ज्ञान बढ़ने का मोटिव बना रहा है, वैसे आपके दोस्त का ज्ञान और प्रॉफिट होने का मोटिव बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों हम अभी आए टेक्निकल चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे देख रहे हैं दोस्तों हमें किस तरह से यहाँ पे रुझान देखने मिल रहा है। दोस्तों ये तो अभी हो गए फिलहाल की बात है, मगर दोस्तों उसका थोड़ा पास्ट भी जान लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी हमें गिरावट देखने मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। ये देखिए दोस्तों मार्केट रहा ये नीचे, तो क्या दोस्तों ये जिस तरह से मार्केट नीचे है उसी तरह से इसमें हमें रुझान देखने मिलने वाले, या फिर इसमें आने वाले दिनों में डेफिनेटली कुछ बढ़िया बातें होने वाली। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात तो इसने जो 52 वीक्स का जो लो है दोस्तों 46.10 रुपये का बना लिया है, और आने वाले दिनों में ये, और दोस्तों 52 वीक्स का हाई देखेंगे तो दोस्तों 52 वीक्स का हाई दोस्तों 144 रुपीज का, दोस्तों वहाँ से लगभग ये शेयर डाउन ट्रेड कर रहा है, 31% पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 69 इसने अपना परसेंटेज गवा दिया है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एक हम कह सकते हैं डाउनफॉल है उसके लिए, एक बहुत ही बड़ा एक परसेंटेज डाउन लॉसेस हो सकता है उसके लिए। मगर दोस्तों क्या ये आने वाले दिनों में अच्छे रुझान दिखाने के लिए काबिल है क्या, या फिर आने वाले दिनों में ये बढ़िया से बढ़िया रुझान दिखा सकता है क्या, दोस्तों इसके बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों अभी बात कर रहे हैं हम उसके टेक्निकल की। देखिए दोस्तों यहाँ से टेक्निकल की जो बातें हो रही है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इसके आने वाले दिनों में नीचे वाला जो टारगेट रह सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों नीचे वाला इसका टारगेट रह सकता है। दोस्तों ये देखिए मैं आपके सामने नीचे वाले टारगेट की बातें रख रहा हूँ। दोस्तों स्प्लिट होने के बाद नीचे शेयर चला गया था, फिर उसके बाद बढ़िया से बढ़िया लेवल दिखाई थी। मगर दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं उसके नीचे वाले लेवल के बारे में। दोस्तों इसमें नीचे वाला लेवल रहा है दोस्तों 30 रुपये का, जो सपोर्ट ट्रिबल माना जाएगा। अगर शेयर इसको तोड़ता है तो बहुत ही नीचे चला जाएगा, जो वहाँ से उठना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा सपोर्ट है वहाँ पे 30 रुपये के लेवल पे। अगर दोस्तों हम बात करें इसके आगे अगर बढ़ने वाला है तो कितने तक बढ़ सकता है, तो दोस्तों इसकी जो लेवल है 100 रुपीज़ की इसकी क्षमता है, 100 रुपीज़ तक तेज दौड़ लगा सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये कब हो सकता है। दोस्तों अगर आप इसमें मिड टर्म में बनना चाहते हो, दोस्तों आपके लिए सीधी सी बात है यहाँ पे आप मिड टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात शॉर्ट टर्म में तो आप सोचना भी नहीं है। तो दोस्तों आपको बनना है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोस्तों आपका जो हॉरिजॉन रहेगा, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा दोस्तों लगभग आपका 5 साल का रहना चाहिए या फिर 10 साल का रहना चाहिए। दोस्तों इसमें आपका प्रॉफिट बनेगा, डिविडेंड रिलेशन भी अच्छा करता है ये शेयर, और आपका प्रॉफिट बनेगा तो बहुत ही बेहतर प्रॉफिट बनेगा और आपको प्रॉफिट देखने में भी मज़ा आएगी। मगर दोस्तों ये शेयर धीमी चाल चलता है, धीमे से चढ़ता है तो धीमे से गिरता भी है, तो वैसे इसने धमाके भी दिखाए बीच बीच में के गिरने के और चढ़ने के भी। दोस्तों आप सतर्क हो जाइए इस शेयर में, क्योंकि आपका अभी एक देखिए लगभग 30 रुपीज़ पे एक बड़ा सपोर्ट है, उसके बाद उसकी अपर साइड खुली है 100 रुपये के लिए, तो उसके अपर साइड के जाने के लिए 100 रुपया है,
नीचे जाने के लिए 30 रुपया है दोस्तों। लगभग आपको यहाँ पे 10 और 60 का अंतर है। तो दोस्तों आपको सही तरीके से यहाँ बैलेंस करके मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस बताया है कहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेड करना है अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यूअर या लॉन्ग टर्म के इसमें बेनिफिट लेने चाहते हो। तो दोस्तों हम चलते हैं अभी इसके एक न्यूज़ पे जिसके कारण इस शेयर में थोड़ी सी तेजी बन सकती है, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। न्यूज पे न्यूज देख रही है, क्या बता रही है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा टू रेज रुपीज 13,500 करोड़ एडिशनल कैपिटल। दोस्तों यहाँ 13,500 करोड़ का एडिशनल कैपिटल ऐड करने की यहाँ पे सोच रहा है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी तेजी बनेगी जरूर। दोस्तों हम बात का पूरा विश्लेषण देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड ऑन फ्राइडे अप्रूव रेजिंग एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज अप टू 13,500 करोड़ द लेंडर फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज थ्रू रिलीज आउट ऑफ द टोटल अमाउंट द बैंक विल रेज 9,000 करोड़ बाई वे ऑफ कॉमन इक्विटी कैपिटल थ्रू वेरियस मोड्स इंक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो कि 13,500 करोड़ का जो एक एडिशनल कैपिटल होने वाला है, ऐड होने वाला है उनके कैपिटल में, वो रेज करने की बातें सोच रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो पोर्शन है 9,000 करोड़ का, वो होगा कॉमन इक्विटी कैपिटल के माध्यम से। उसमें बहुत सारे वेराइटीज़ के वाले उनके मोड रहेंगे, इंक्लूडिंग उनका जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होगा उसके माध्यम से भी होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है किस तरह से यहाँ पे कैपिटल का इन्फ्यूजन होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो द रिमेनिंग रुपीज 4,500 करोड़ विल बी रेज बाय वे ऑफ एडिशनल Tier 1 and Tier 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट विद एन इंटरचेंजेबिलिटी ऑप्शन, द बैंक सेड इन द रिलीज। द पब्लिक सेक्टर लेंडर प्लान्स टू रेज अ टोटल अमाउंट टिल मार्च 2021। दोस्तों 2021 के लिए इनका जो Tier 1 का जो प्लान है वो Tier 2 का जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट गेन करने का उन्होंने प्लान किया है दोस्तों, ये लगभग 2021 में चलेगा, 21 तक चलेगा, मार्च तक। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं किस कदर इसमें बड़ी एक मोमेंटम की तैयारी चल रही है यहाँ से। हाउ इट हैज़ अ स्पेसिफाइड दैट विंडो रिमेन्स ओपन बियॉन्ड द टाइम लाइन ऑफ मार्च 2021 इन केस नीडेड। दोस्तों ये विंडो खड़ी रहेगी, ओपन रहेगी उनके लिए मार्च 2021 तक। तो दोस्तों यहाँ से स्पेसिफिकेशन उन्होंने दे दिया है पूरा कैपिटल के लिए कि हमारी विंडो अभी ही एकदम इंस्टेंटली खुलेगी, इंस्टेंटली बंद नहीं होगी, इसका प्रोसीजर लंबा है तो लंबा काम भी करेगी। तो दोस्तों इसमें इन्फ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा बनी है क्योंकि जिस तरह से अभी मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को पूरा हटने के बाद इसमें जो प्रोसेस होगी शायद इसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की हमें गुंजाइश दिख रही है। द बैंक हैड अर्लियर रेज 3,397 करोड़ थ्रू एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स इन डिसम्बर क्वार्टर ऑफ 2019। द कैपिटल एडुकेशन रेशियो ऑफ अ बैंक रिमेन अबव रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड लेवल एट 13.98% एज December 31, 2019। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रेशोल्ड ऑफ कैपिटल एडुकेशन रेशियो इज 11.5%। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं उन्होंने कितने अभी फिलहाल बैंक ने एक बढ़िया एक कैपिटल रेज करने का एडिशनल कैपिटल रेज किया था 3,397 का, उसके बाद 13.98% जो उनका रेगुलेटरी RBI ने दिया तो उसके हिसाब से उन्होंने जो रेशो था उसके हिसाब से ये हर चीज़ बढ़ाई है और कर भी रहे हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा एक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है मेरे तरफ से। और दोस्तों ये मेरा डिसीजन है, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से इस वीडियो को ले रहे हैं, किस तरह इस इन्फॉर्मेशन को जज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। दोस्तों मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी वो सच है या करेक्ट है या फिर गलत है उसको क्रॉस वेरीफाई करना ये आपका काम है। दोस्तों डिसीजन लेना है आपको, यस नो जो भी रहेगा, मगर डिसीजन आपको लेना है मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।